स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी न्यूज चैनल पे। सातवां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी, जाने कब से मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि केंद्र कर्मचारियों के भत्तों पर सातवां वेतन आयोग स्वयं पे कमीशन सुझाव मंजूरी कर ली गई है। कुछ खास बातें, कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बदलाव को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार के फैसले का इंतजार था। पेंशनरों को 1,000 रुपए मेडिकल भत्ता मिलेगा। करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए बुधवार शाम बड़ी खुशखबरी आई। कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा। इसके लागू होने के बाद सरकार पर कुल 30,000 करोड़ रुपए का वित्त बोझ पड़ेगा। इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले HRA में वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। HRA की नई दरें, जब किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक पे का 25% तक पहुंचेगा तो उसके अलग अलग कैटेगरी के शहरों के लिए HRA 27%, 28% और 18% और 9% की दर से मिलेगा। जबकि सरकारी कर्मचारियों का DA बेसिक 50% तक पहुंचेगा तो उसे अलग अलग कैटेगरी के शहरों के लिए HRA 30%, 20% और 10% की दर से मिलेगा। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा जिनका HRA उसी के आधार पर तय होगा। सातवें वेतन आयोग ने लेवल और उसके ऊपर के लिए 31,500 की सिफारिश की थी। सरकार ने उसे बढ़ाकर 42,500 करने का फैसला किया है। सातवें वेतन आयोग ने लेवल 8 और उसके नीचे के लिए 21,000 की सिफारिश की थी। सरकार ने उसे बढ़ाकर 30,000 करने का फैसला किया है। कर्मचारियों के भत्ते में सुधार, पेंशनधारियों को फ्री मेडिकल भत्ता हर महीने 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है। रिमोट इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल कंपोजिशन भत्ता की व्यवस्था में सुधार किया गया है। टेक्निकल भत्तों को पुनर्गठन किया गया है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस, स्वयं पे कमीशन अलाउंस के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से फैसले का इंतजार था, लिहाजा आज की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा पर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद लगी बैठी है। सरकार के लिए बता दें कि PM नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से मंगलवार रात को ही लौटे थे और इस वजह से बुधवार सुबह होने वाली बैठक को शाम 5 बजे से लिए निर्धारित किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से किसी न किसी वजह से सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा नहीं हो पा रही थी और इससे कर्मचारियों में इंतजार बढ़ता जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रालय के अधिकारियों की दिल्ली में न रहने की वजह से इस मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में नहीं रखा। कर्मचारी संघ के सूत्रों का कहना था कि किसी सचिव की अधिकारी प्राप्त समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा की बाद कैबिनेट नोट तो तैयार कर लिया था। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य अलाउंसेस के अलावा HRA के मुद्दे पर सरकार के फैसले का करीब 1 साल से इंतजार था। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग की गई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी। इन मुद्दों में अलाउंस को लेकर विवाद भी था। सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को सौंप दी थी। वित्त मंत्री की ओर से यह रिपोर्ट अधिकारी प्राप्त सचिवों को समिति को भेजी गई थी। अब इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों के अधिकारी प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया था। जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंस को समाप्त कर दिया था। फिर उन्होंने मिला दिया था, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए थे। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मामला था।
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, लेकिन भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति के होने के कारण यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा हिंदी न्यूज चैनल ऐसे ही नए नए सातवें वेतन के खबरों के बारे में। जय हिंद जय इंडिया। स्वागत दोस्तों आपका हिंदी न्यूज चैनल पे। सातवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों